पौड़ी जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी की प्रधानाध्यापिका शीतल रावत के स्कूल से नदारद रहने और अपने स्थान पर एक युवती को पढ़ाई का जिम्मा सौंपने के मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका के वेतन पर रोक लगाकर स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा थलीसैन ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी का निरीक्षण किया गया तो प्रधानाध्यापिका स्कूल से नदारद दिखी। वहीं प्रधान अध्यापिका के बजाय स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई गांव की ही एक युवती मधुरावत द्वारा करवाई जा रही है। ऐसे में मुख्य शिक्षा अधिकारी को युवती ने बताया कि प्रधान अध्यापिका द्वारा उन्हें छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि प्रधान अध्यापिका स्कूल से नदारद रहती है। ऐसे में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रधान अध्यापिका के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। कल दिनांक 20 सितंबर 2022 को थलीसैन क्षेत्र के 5 विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। प्राथमिक विद्यालय केन्यू, उच्च प्राथमिक विद्यालय केन्यू, राजकीय इंटर कॉलेज बगवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी और राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैन। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय बगवाड़ी में मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत छोटी सी बच्ची शिक्षण कार्य कर रही है। मैंने बुलाकर जब उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम मधु रावत है और मुझे शीतल मैडम ने शिक्षण कार्य के लिए रखा है, इसके लिए मुझे 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।